वेलकम गाइस। तो आज हम प्लेटफॉर्म 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसने नहीं देखा है, जाकर जल्दी से फर्स्ट पार्ट को देखिए, ताकि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे एक पिरामिड शेप के प्लेटफॉर्म पर खेल रहे थे। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें इतने बच्चे नहीं दिखाए गए थे, लेकिन सेकेंड पार्ट में इतने बच्चे क्यों है, इसके पीछे का सीक्रेट हमें बाद में पता लगेगा। इसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो कि उस जेल में जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, और इन सब का इंटरव्यू वही लेडी ले रही होती है, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी, जैसे कि हमने गोरिन के साथ उसकी सेलमेट के रूप में देखा था, जिसने बाद में सुसाइड कर लिया था। यानी कि ये मूवी गोरिन के इस सेल में आने से कुछ टाइम पहले की है। के बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम दो सेलमेट को देखते हैं, जो कि लेवल नंबर 24 पर थे, जो कि काफी अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पर 333 लेवल है, और लेवल नंबर 24 पर होना यानी कि काफी अच्छी किस्मत होना, क्योंकि वहाँ पर भरपेट खाना जो मिल जाता है। के बाद हम मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम की पैरम्पुआन है, और उसका एक सेलमेट भी है जिसका नाम की जेमियाटिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो जेमियाटिन होता है वो बहुत गुस्से वाला इंसान होता है। एक दिन उसने गुस्से में अपने माँ बाप के घर को आग लगा दी थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों बच गए थे, और अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपने आप को सजा देने के लिए ही वो यहाँ आया था। दरअसल इस जेल में लोग किसी न किसी गिल्ट के चलते अपने आप को सजा देने के लिए आते थे, जो कि वहाँ अपनी मर्जी से आते थे, और अपनी मर्जी से अपने टाइम की पनिशमेंट को चूज करते थे, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल। यहाँ आने से पहले उनसे उनका फेवरेट फूड पूछा जाता था, और उन्हें हर रोज उनका फेवरेट फूड ही दिया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, इस जेल में 333 लेवल है, और हर लेवल पर 2 लोग हैं, इसका मतलब 666 लोग, और 666 लोगों की फेवरेट डिश ही उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती थी। अब खाना प्लेटफॉर्म पर लग चुका था, लेकिन जेमियाटिन यहाँ पर काफी गुस्से में था, क्योंकि उसने अपनी फेवरेट डिश में पिज्जा लिखवाया था, और ऊपर वाले 21 फ्लोर के लोगों ने उसका पिज्जे की जो टॉपिंग्स थी वो खा ली थी, और बचा हुआ पिज्जा ही छोड़ा हुआ था, जिससे जेमियाटिन को काफी गुस्सा आता है। ऊपर वाले फ्लोर के लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लड़के का नाम रोबस्फियर और लड़की का नाम सहरा था। जेमियाटिन नहीं मानता, वो कहता है कि अगर मेरा खाना किसी और ने खाया है तो मैं भी किसी और का खाना खा जाऊंगा, लेकिन वो दोनों उसे मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर तबाही आ जाएगी और हर कोई लड़ने लगेगा, उसे भूखमरी भी आएगी और नीचे वाले फ्लोर के लोग मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जेमियाटिन कहता है कि तो मेरे साथ गलत हुआ, उसका क्या। इस पर वो दोनों कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी का खाना खाए या ना खाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, जिन्होंने रूल्स भी बनाए हुए थे, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई किसी और का खाना नहीं खा सकता, और जो भी उन रूल्स को तोड़ता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी जेल में ही, या तो उसका हाथ काट दिया जाता था या उसे मार डाल दिया जाता था। बातें सुनकर जेमियाटिन मान जाता है, और ऊपर वाले लोग उसे ये भी समझाते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से खाना खा लो। 2 मिनट के बाद अगर वो अपनी सेल में खाने को रख लेते हैं तो इसके बदले में एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें पनिश करता है, और उनके रूम का टेम्परेचर या तो बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो जल के मर जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, जिससे जमने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि इस पूरी जेल के अंदर 2 तरह के ग्रुप्स बन चुके थे। एक ग्रुप जिन्हें की बारबेरियंस कहा जाता था, वो दूसरों का खाना भी खा जाते थे, और एक ग्रुप जिन्हें की सोलिडेटरी कहा जाता था, वो ये मेक श्योर करते थे कि सभी तक खाना पहुंच रहा है या नहीं। और सोलिडेटरी की ये पहचान होती थी कि वो अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद रखते थे। नेक्स्ट डे होता ये है कि ऊपर वाले फ्लोर्स के लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद रोबस्फियर और सहरा जेमियाटिन और पैरम्पुआन को हथियार बनाने के लिए बोलते हैं, जो कि वो अपने बेड से बना सकते थे, और उन्हें बोलते हैं कि तैयार रहना लड़ाई के लिए। इसके बाद लेवल 21 वाले लोग रोबस्फियर और सहरा के पास आकर गिरते हैं, और उनकी लड़ाई के बीच बहुत सारा खाना उनके फ्लोर पर गिर जाता है, और इसके बाद प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है। लड़ाई करने वाला 1121 वाला वही शख्स था जो इतने दिनों से सबका खाना खा रहा था। उसका मानना था कि वो बहुत दिनों से नीचे वाले 200वें लेवल के ऊपर था, और जहां उसे कभी भी खाना नहीं मिलता था, और इसीलिए वो सबसे बदला लेने के लिए डेली अब इतना खाना खा रहा था।
की लड़ाई के चलते जो खाना लेवल नंबर 23 पर गिरा था, अब सैरा उस खाने को प्लेटफॉर्म पर गिराने की काफी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। उन्हें पनिशमेंट देने के लिए मैनेजमेंट ने उनके फ्लोर पर आग लगा दी थी जिससे वो दोनों जल के मर जाते हैं। अब सैरा की जलती हुई बॉडी पैरम्पुआन वाले फ्लोर पर आकर गिरती है और उसे देख कर जेमियाटिक की तो रूह कांप जाती है और हमें पता लगता है कि वो शरीर से जितना बड़ा और शक्तिशाली लगता है अंदर से उतना ही कमजोर और डरपोक है। हमें ये भी पता लगता है कि जेमियाटिन अपने साथ यहाँ पर एक लाइटर लाया था क्योंकि यहाँ आने से पहले वो अपनी एक फेवरेट चीज अपने साथ ला सकते थे। लेवल 21 वाला आदमी जो कि खाना खा रहा था वो उनके लेवल पर आकर गिरा था, वो दोनों से बांध देते हैं। सोलिडरिटी के मास्टर के लोग जो होते हैं वो उस आदमी को वहाँ से उठा ले जाते हैं उसे पनिश करने के लिए। वो दोनों सैरा की बॉडी को भी नीचे फेंक देते हैं क्योंकि वहाँ पर इंसानों का खाना वर्जित था। उसके बाद उसकी बॉडी सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाकर गिरती है और जहाँ पर भूखे सेलमेट उसकी बॉडी को नोच नोच कर खा जाते हैं और रास्ते में जो लोग थे वो काफी खुश होते हैं ये सोचकर कि चलो एक आदमी तो कम हुआ और खाना अब उन्हें ज्यादा मिल पाएगा। नेक्स्ट डे खाना आता है और फाइनली जेमियाटिन को उसका पिज्जा मिल जाता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर के लोग जो कि उसका खाना खाते थे वो मर जो चुके थे। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं और पैरम्पुआन और जेमियाटिन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। पैरम्पुआन जेमियाटिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर वो बताता है कि मैंने एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन को सोल्व नहीं किया था, मैं एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था और क्या फायदा मेरे इतने अच्छे मैथमेटिशियन होने के जब मैं इतने सालों में सिर्फ एक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाया। और वो इक्वेशन थी √-1 जिसका सॉल्यूशन एक इमेजिनरी नंबर आता है, लेकिन जेमियाटिन कहता था कि अगर हम किसी इमेजिनरी नंबर को किसी चीज का सॉल्यूशन मानते हैं और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इस चीज का क्या मतलब है। और उसने इतने साल अपनी इस इक्वेशन को सोल्व करने में ही लगा दिए लेकिन फिर भी वो इसे सोल्व नहीं कर पाया और अपने आप को सजा देने के लिए वो इस जेल में आया है। पुआन पूछती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तो इस पर जेमियाटिन कुछ नहीं बोलता, उल्टा उससे ही पूछता है क्या तुम्हारे बच्चे हैं। इस क्वेश्चन पे पैरम्पुआन भी चुप हो जाती है। अब आखिरकार 30वां दिन आ जाता है जिस दिन की इनके प्लेटफॉर्म चेंज होने वाले थे, इनके फ्लोर्स का नंबर आज बदलने वाला था, तो सारी लाइट्स हरे से लाल हो जाती है और पैरम्पुआन जेमियाटिन को कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम एक लास्ट डांस कर सकते हैं। और तभी इन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि आज खाना 175वें लेवल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये था कि लोग अब आपस में काफी ज्यादा यूनाइटेड होकर रहने लगे हैं और उनका ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो सब तक खाना पहुंच सकता है। 175वें लेवल तक खाना पहुंचना बहुत बड़ी जीत। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और इसके बाद अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये खुद को 180 लेवल पर पाते हैं जो कि बहुत घटिया नंबर था क्योंकि यहां तक खाना पहुंचना इम्पॉसिबल था। ये खाना खाए कई दिन बीत जाते हैं और इसके बाद जेमियाटिन की तबीयत खराब होने लगती है। पैरम्पुआन उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी और यहाँ पर ऐसी जगह में ऐसा सेलमेट मिलना बहुत अच्छी किस्मत की बात है। यहाँ पर जेमियाटिन पैरम्पुआन को बताता है कि मेरे बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पैरम्पुआन देखती है कि उसके हाथ में लाइटर था और वो खुद को आग लगाने वाला था और हम जेमियाटिन को देखते हैं जो कि काफी गिल्ट में था क्योंकि आज उसे पता लगा था कि नीचे वालों को जब खाना नहीं मिलता तो उन्हें कैसा लगता है और एक दिन उसने भी छिपकर किसी का हिस्सा खाया था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अब वो अपने लाइटर से खुद को आग लगा रहा था। और पैरम्पुआन को लास्ट टाइम कहता है कि मेरे बच्चों को बताना कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये कह के वो खुद को आग लगा के नीचे कूद जाता है। नीचे वाले फ्लोर के लोग एक आदमी को मरते हुए काफी खुश होते हैं क्योंकि एक खाने वाला और कम हो गया। यहाँ हमें पता लगता है कि जेमियाटिन बहुत ज्यादा डिल्यूजनल आदमी था, उसने यहाँ पर खुद आने का फैसला नहीं किया था बल्कि उसके बीवी बच्चों ने उसे छोड़ दिया था जिसके बाद वो अपने मम्मी पापा के पास रहने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसकी इस हैबिट से तंग आ चुके थे, वो इमेजिनेशन में ही जीता था और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे इस वजह से उसके मम्मी पापा ने उसे यहाँ भिजवा दिया था और वो अंदर से इतना कमजोर था कि वो सुसाइड कर लेता है। पैरम्पुआन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जेमियाटिन का लाइटर अपने पास ही रख लेती है। आज फिर से सेल का नंबर चेंज होता है और इस बार पैरम्पुआन को सेल नंबर 51 मिला था जो कि फिर भी ठीक नंबर था पहले के मुकाबले। और यहाँ पर उसे नई सेलमेट भी मिलती है जिसे पैरम्पुआन रोज बताती है किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना, सिर्फ अपना हिस्सा खाना है और उस लेडी का एक हाथ भी नहीं था। पैरम्पुआन उसे काफी समझाती है क्योंकि वो सेलमेट ऐसा दिखा रही थी कि जैसे ही उसका पहला ही महीना है। और अब रात को पैरम्पुआन जेमियाटिन को हेलोसिनेट भी करती है।
अगले दिन नीचे वाले फ्लोर के लोग उन्हें बताते हैं कि 54 नंबर पर एक आदमी है जो कि पहले 2 नंबर पर था और जो कि सबका हिस्सा खाया करता था, और अब हम उसे सबक सिखाएंगे। और कहीं ना कहीं पैरमपुआन भी यही चाहती थी, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जेमियाटिन मारा गया था। अगले दिन पैरमपुआन नीचे जाने की तैयारी करती है और इन सब में उसका साथ उसकी सेलमेट भी देने वाली थी। अब उनके साथ 51 नंबर वाला भी एक आदमी ज्वाइन करता है। वो सब खाने के टेबल पर थे, लेकिन कायदे के हिसाब से ये सब कुछ गलत था, क्योंकि 54 नंबर वाले को सिर्फ 53 नंबर वाला ही सबक सिखा सकता था, जबकि 51 नंबर वाला रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था। उस फ्लोर पर पहुंचते ही वो दोनों उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो शख्स जो कि 54 नंबर पर तबाही मचा रहा था, वो पैरमपुआन की सेलमेट को मारने ही वाला था, लेकिन पैरमपुआन उसे बचा लेती है। और इसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर पर जाकर गिरते हैं, जिस पर कि एक ओल्ड मैन और एक डिसेबल्ड लड़का था। वो आदमी हमला करके उस ओल्ड मैन को मार देता है और इसके बाद वो नीचे भाग जाता है। और वो साथ के साथ ये वजह भी बता के जाता है कि जब मैं नीचे था तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, और इसी वजह से मैं अब यहाँ ऐसा ही करूँगा। फिलहाल ये दोनों 55th फ्लोर पर थी, और यहाँ पे पैरमपुआन की सेलमेट उसे बताती है कि वो यहाँ पिछले 6 महीने से है और उसने झूठ बोला था कि मैं एक ही महीने से यहाँ हूँ। उसे बताती है कि रूल्स फॉलो करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई तो ये है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। पैरमपुआन पूछती है कि वो आइडिया क्या है। इस पर वो सेलमेट बताती है कि हम इंटरवल के दौरान यहाँ से भाग सकते हैं। जब दूसरे फ्लोर्स चेंज होते हैं तो बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है, और इस बीच अगर हम बेहोश ना हो तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। पैरमपुआन पूछती है तो फिर हम बेहोश होने से कैसे बच सकते हैं। इस पर वो सेलमेट बताती है कि वो चीज ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। अगले दिन सेलमेट पैरमपुआन को बताती है कि हमें जल्दी से नीचे जाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सोलिडेरिटी के लीडर्स आ गए और हमने रूल तोड़े हैं तो वो हमें पनिश करेंगे। दरअसल उन्होंने रूल इसलिए तोड़े थे क्योंकि वो अपना फ्लोर छोड़कर किसी दूसरे के फ्लोर पर रह रही थी। जैसे ही वो भागने के लिए खाने के टेबल पर चढ़ने लगती है कि तभी देखती है कि उस टेबल पर तो सॉलिडेरिटी के लीडर ऑलरेडी मौजूद थे। लीडर उन्हें पनिश करने ही वाला था कि तभी वो डिसेबल लड़का कुछ बोलता है। वो कहता है कि ये दोनों कुछ प्लान बना रहे थे, जिसमें ये बोल रहे थे कि अगर वो कुत्ता खा लेंगे तो बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिसेबल था। और ये बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन लीडर उस लड़के को अपने साथ रख लेता है। और इसके बाद वो पैरमपुआन और उसकी साथी को खाने के टेबल पर बांध लेता है, और इसके बाद वो पैरमपुआन का एक हाथ काट देता है। उसकी जो सेलमेट थी जिसका ऑलरेडी हाथ कटा हुआ था, जिसने दोबारा गलती करी थी, वो उसे जान से मार देते हैं। जब पैरमपुआन की आंखें खुलती है तो वो खुद को 72nd फ्लोर पर पाती है, जहाँ पर उसका सेलमेट एक बूढ़ा आदमी था। और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ट्रिमकासी था, जो कि पार्ट 1 में गोरिन का भी सेलमेट था। और यहाँ पर अब पैरमपुआन डिसाइड करती है कि वो सोलिडेरिटी का हिस्सा नहीं रहेगी, और अब उसने अपनी शर्ट का पहला बटन भी खोल लिया था। बाद वो ट्रिमकासी से बातें करती है, जहाँ पर वो देखती है कि ट्रिमकासी एक नाइफ लेके आया था, और वो कहता है कि मैं इससे ब्रेड काटने वाला था, लेकिन जैसा हम जानते हैं पार्ट 1 में उसने नाइफ का क्या ही यूज किया था। ना मिलने पर वो उस नाइफ से अपने सेलमेट को ही काट कर खा जाता था। ट्रिमकासी पैरमपुआन को बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितना मिले उतना खा लो। इनफैक्ट यहाँ पे सभी बारबेरियंस है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सभी एक दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं। जैसे ही वहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है तो त्रिमकासी खूब खाता है। और इसके बाद जब पैरमपुआन उसे बोलती है कि वो नीचे जाने वाली है, जैसा कि उसकी सेलमेट ने उसे यहाँ से बाहर जाने का तरीका बताया था और जिसके लिए उसे नीचे जाना ही होगा, और इस पर ट्रिमकासी भी उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है। और वो रास्ते में बहुत सारे लोगों को कन्वेंस कर लेते हैं अपने साथ जाने के लिए। पैरमपुआन उन सब लोगों को बोलती है कि अगर तुम रूल्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो 93rd लेवल पर रुकते हैं, क्योंकि वो काफी लोग हो गए थे। और पैरमपुआन को यहाँ पर एक पेंटिंग दिखी थी जो कि डूबते हुए डॉग की पेंटिंग थी, और वो उसे अपने साथ रख लेती है। अब इसके पीछे का सच क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। इन अगले दिन सोलिडेरिटी के लीडर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने साथियों के साथ। यहाँ पर इन सबके बीच एक भीषण युद्ध होता है, पूरा सेल खून से भर चुका था, और लास्ट में सिर्फ पैरमपुआन और त्रिमकासी ही जिंदा बचते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि पैरमपुआन यहाँ क्यों आई थी। दरअसल उसे एक गिल्ट था जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती थी, और वो गिल्ट ये था कि वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी और उसने एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाया था जिसमें की नुकीले दांत लगे हुए थे, और सब कह रहे थे कि उसे इसके बाहर से फैंसी करनी चाहिए, लेकिन पैरमपुआन ने किसी की एक नहीं सुनी।
इसके बाद एग्जीबिशन में वो नुकीले दांतों वाला डॉग रखा जाता है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उनके बेटे के साथ आया हुआ था, और जब वो बेटा खेल रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो डॉग का नुकीला दांत सीधा उसकी आंख में जाके घुसता है और इसके बाद वो मर जाता है। इसी गिल्ट के चलते खुद को सजा देने के लिए, खुद को समय देने के लिए पैरम्पुआन यहाँ पर आई थी। डूबते हुए डॉग की पेंटिंग के पीछे का सच ये था कि अगर वो उसके टुकड़े को खा लेगी तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, जिससे कि मैनेजमेंट को ये लगेगा कि ये मर चुकी है और इसके बाद उसे डेड बॉडीज के साथ बाहर भेज देंगे, जहाँ से वो इजीली एस्केप हो सकती है। ये काम उसे जब करना होगा जबकि वो बेहोशी की गैस को रिलीज करेंगे और लोगों के सेल के नंबर चेंज करेंगे और डेड बॉडीज को वहां से उठा कर लेकर जाएंगे, और ठीक पैरम्पुआन वैसा ही करती है। गैस रिलीज होने से कुछ टाइम पहले उस पेंटिंग के टुकड़े को खा लेती है, से वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद मैनेजमेंट की टीम आती है और लाशों के ढेर के साथ पैरम्पुआन को भी बांध ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पिरामिड पर, जहाँ पर वो बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा सबसे ऊपर पहुंच जाता है जो कि चूजन वन था। उसके ऊपर स्पॉटलाइट आती है और मैनेजमेंट के दो लोग आते हैं, उस बच्चे को अपने साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद हम पैरम्पुआन को देखते हैं, जिसे कि मैनेजमेंट ऐसी जगह पर ले गई थी जहाँ पर कि जीरो ग्रेविटी थी। तभी वो लाशों को बाहर फेंकने ही वाले थे कि पैरम्पुआन वहाँ से निकलकर लेवल नंबर 333 पर छिप जाती है, जहाँ पर की टेबल के नीचे उसी बच्चे को लाकर सुलाया जाता है। शायद मूवी के फर्स्ट पार्ट में मिहारू की बेटी को भी ऐसे ही चूज किया गया होगा। अब मैनेजमेंट की टीम के वहाँ से जाते ही वो उस बच्चे को भी अपने साथ ले लेती है, क्योंकि अगर वो उस बच्चे को इस बार भी छोड़ देती तो उसका गिल्ट वैसा का वैसा रह जाता। फिर वो उस बच्चे को लेकर अपने साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका सर दीवारों से टकरा जाता है, जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और प्लेटफॉर्म एक ब्लैंक जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके बाद वहां पर कई सारे लोग आते हैं जो कि शायद डेड पीपल्स की स्पिरिट थी। कि हम यहाँ पर जेमियाटिन और उसके सेलमेट को भी देखते हैं जो कि मर चुके थे, और अब हमें पता लगता है कि असल में पैरम्पुआन में मर चुकी है। जब उसका सर दीवार से टकराया वो तभी मर गई थी। ऐसा ही सेम लास्ट में गोरिन के साथ भी हुआ था। ये चीज 100% कंफर्म इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टर ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया था कि लेवल नंबर 333 के नीचे कुछ भी नहीं है, और अब हम श्योरली कह सकते हैं कि ये सभी स्पिरिट्स थी। सारी स्पिरिट्स पैरम्पुआन को कहती है कि तुमने आखिरकार वो कर ही लिया जो कि तुम करना चाहती थी, यानी कि बच्चे को बचाना। बच्चे को एक और चांस देते हुए वो प्लेटफॉर्म पर बिठाकर ऊपर भेज देते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, एक प्लेटफॉर्म वन की तरह। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।